Hello students, so very important chapter today that is Kingdom of the South, Kingdom of South India. But let's first understand the keywords. Ballads, it's a poem that tells a story. किसी की कहानी को अगर हम पोएट्री के माध्यम से अगर बताते हैं तो उसे बैलेट कहते हैं. बेनिवोलेंट डिक्टेटर, बेनिवोलेंट मैलिवोलेंट, बेनी मतलब नुकसान नहीं करने वाला. अ रूलर हु होल्ड्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नेंस ऑफ हिज कंट्री बट ब्रिंग्स अबाउट रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट्स. ऐसे रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिससे लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है. इसे कहते हैं बेनिवोलेंट. बेनी मीन्स गुड. ब्रह्मदया, दैट इज टैक्स फ्री लैंड्स गिवन टू ब्राह्मिन्स. ब्राह्मिन्स से टैक्स नहीं लिया जाता था. ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राह्मिन्स जनरली देवर द टीचर्स. तो टीचर के ऊपर अगर पैसों का प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो पैसे टीचर कहां से लाएंगे? बेसिकली टीचर को एक फ्री हैंड दिया गया था कि आपको कोई पैसे नहीं देने, आप कम से कम ज्ञान जो है उसे बिजनेस मत बनाइए. सो आप आराम से विद अ वेरी फ्री माइंड आप प्लीज अच्छे से एजुकेट करिए सबको. गोल्डन सिटी कांचीपुरम विच वॉज द सेंटर फॉर कल्चर एजुकेशन एंड रिलीजन. कल्चर एजुकेशन रिलीजन ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. In this system, people elect their representatives who manage the subjects of vital concern in locality. Local self-government. Raja ke paas chote chote cheezon ke liye nahi aana hai. Okay? People elect their representative. Matlab people apne aap. Matlab woh democracy jo aaj jo hai. People elect their government. So people elect their representative who manage the subjects of vital concern in the locality. Locality ki kuch mamla hai, to raja tak nahi jayenge, hum log aapas mein hi salta lenge. Monolithic rock cut temples. Temples carved out of one single block of stone. Mono means one. Rath means chariot. Sabha, assemblies where the Sangam poets gathered. Discuss karenge Sangam poets ke bare mein. संगम का मतलब क्या होता है? वेयर संगम जनरली इज डिनोटेड फॉर द रिवर्स. एक बहुत पुराना गाना है, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं. संगम मतलब मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना कब मिलेंगी, जब मिलती है तो उसे कहते हैं संगम. So, इसी प्रकार से बहुत सारे पोएट्स अलग अलग स्टेट से एक जगह जब मिलते थे और साथ में पोएट्री करते थे कि देखो मेरा ये पोएट है, मेरा मैंने ये पोएट्री लिखा है, आपने क्या लिखा है, तो उसे कहते हैं संगम. संगम एज, ये एक ऐसा समय था, अ पीरियड इन विच इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट सदर्न इंडिया ड्यूरिंग विच टाइम द संगम पोएम्स वर रिटन. लोग मिलते थे, एक माहौल बनता था कि आओ डिस्कस करेंगे, आओ मिलते हैं. तो अलग अलग पोएट्स दे यूज टू मीट. संगम लिटरेचर, पोएम्स एंड बैलेड्स रिटन अबाउट द एडवेंचर्स एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सदर्न इंडियन किंग्स, दिस इज कॉल्ड संगम लिटरेचर. शोर टेम्पल्स, देयर वर सेवन टेम्पल्स व्हिच वर बिल्ट ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल बाय पल्लवा रूलर्स एट महाबलीपुरम. एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया है सदर्न इंडिया के किंग्स के बारे में.
आइए माइंड मैप को भी एक बार देख लेते हैं, राइट। आइए, किंगडम ऑफ सदर्न इंडिया, चालुक्यास, ये कर्नाटका को बिलोंग करते थे, और चालुक्या किंग पुलकेशिन वन एंड पुलकेशिन टू, ये दो महान राजा हुए चालुक्यास। पल्लवास ऑफ द कांचीपुरम, इसके राजा हुए महेंद्र वर्मन वन, उनके पुत्र नरसिम्हा वर्मन वन, ये दो इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर रथ के फॉर्म में, रथ, रथ मींस चैरियट, चैरियट के फॉर्म में रॉक कट टेंपल्स बनाया उन्होंने। किसका रथ था सर, किसका चैरियट था? महाभारत के जो पांच पांडवास थे उनके रथ के हिसाब से इन्होंने बनाया। डेडिकेट किया ये मंदिर भगवान शिव को। और शोर टेंपल्स एट महाबलीपुरम, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो ये था पल्लवास किंग, पल्लवास किंग। एक और इंपॉर्टेंट किंग्स जो है चोलास ऑफ तंजावुर, इनके राजा हुए राजा राजा वन एंड राजेंद्र चोला। इनके बारे में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया चोला किंग्स का था। और ट्रेड काफी अच्छा इन्होंने किया, फॉरेन ट्रेड, मैरिटाइम ट्रेड, लिटरेचर में भी काफी अच्छा योगदान रहा है। द कंबन्स रामावतारम, राम अवतारम, और तिरु तक्का तेवर्स, शिवाका सिंतामणि, चिंतामणि, सिंतामणि, व्हाटएवर। कल्चर, टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। मंदिरों में ही ऐसा सिचुएशन था, चोला किंग्स ने ऐसा मंदिर बनाया कि यहाँ पर आप अगर आते हो तो यहाँ पर आप शिक्षा भी ले सकते हो, कारपेंट्री भी सीख सकते हो, बहुत कुछ, ये हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, द किंग्स ऑफ साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडियन किंग्स के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, साउथ इंडियन किंग्स के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15, साउथ इंडियन किंगडम्स। हिस्टोरियंस की तरह अगर आपको सोचना है तो आपको कैसे सोचना है, ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। ये नटराज का ब्रॉन्ज स्टैचू, ये कुछ कॉइन्स, और ये है कुछ आर्किटेक्चर। द पिक्चर्स गिवन बिलो आर सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं ना, हिस्ट्री का सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। फ्रॉम 300 CE टू 800 CE, मतलब 4th century टू 9th century, ईच सोर्स गिव्स अस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। आइए हम चैप्टर शुरू करते हैं। साउथ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल किंगडम्स विच वर रूल्ड बाय अ नंबर ऑफ डायनेस्टीज ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन एंशियंट हिस्ट्री। द मोस्ट पावरफुल अमंग दीज डायनेस्टीज वर द चालुक्यास, द पल्लवास एंड द चोलास। ये अगर आपको याद करना है, ये जानते हो वो कितना चालू है, तुम्हारा कभी पाला पड़ा है ऐसे चालू व्यक्ति से? अरे अरे, ये इतना चालू कैसे है? क्योंकि वो छोले खाता है। सो बेसिकली, क्या तुम्हारा पाला पड़ा है ऐसे चालू व्यक्ति के साथ? और ये चालू क्यों है? क्योंकि ये छोले खाता है। जस्ट मैंने कहानी बनाई है आपके लिए ताकि आपको याद रहे, चालुक्यास, पल्लवास एंड द चोलास। Most of the information about the ancient South India comes from the Sangam literature. अभी हमने just discuss किया था। Sangam literature क्या है? This is a collection of poems and ballads. याद करो, हमने ballads के बारे में already जान रखा है। That tell us about the battles and the heroic deeds of kings and their armies.
पोइट्री के फॉर्म में ये कहानी बताती है, बैलेड्स, कि देखो वो राजा वीर ने कैसे लड़ाई की। दीज पोएम्स वर कंपोज फ्रॉम द फर्स्ट टू फोर्थ सेंचुरी सीई। पोएट्स एंड स्कॉलर्स गैदर्ड टुगेदर एट असेंबलीज और सभास। कहां पर ये गैदर होते थे? संगम कहां होता था? गैदर्ड कॉल्ड संगम्स एट मदुराई। टू कंपोज मतलब मिलकर कंपोज करेंगे, एंड राइट देयर पोएम्स। मदुरई में माहौल बनता था। थ्री सच संगम्स, कितने संगम हुए ऐसे? तीन, वो हेल्ड एट मदुराई। बट पता है, पहला संगम का जो पोएम लिखा गया था वो समझ लो गायब हो गया। मैनी पोएम्स एंड बैलेट्स कंपोज ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड असेंबलीज हैव सर्वाइव्ड। सेकेंड एंड थर्ड असेंबलीज मतलब असेंबलीज मतलब संगम, हैव सर्वाइव्ड। अ संगम वॉज ऑल्सो अटेंडेड बाय तिरुवल्लुवर। अब ये तिरुवल्लुवर कौन है? ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि ही इज द ऑथर ऑफ द सेक्रेट बुक द तिरुकुरल। साउथ इंडिया के कुछ बहुत सेक्रेट बुक है तिरुकुरल। द पीरियड इन विच दिस लिटरेचर वॉज कंपोज एंड कंपाइल्ड इज कॉल्ड द संगम एज। ड्यूरिंग दिस एज देर वर थ्री तमिल किंगडम्स रूल्ड बाई द चेराज, द चोलाज एंड द पांड्याज। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंशियंट डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। सो कहने का मतलब है कि अभी तक तो हमने पल्लवाज, चालुक्यज एंड चोलाज के बारे में पढ़ा, बट दो और नए नाम आ रहे हैं, द चेराज एंड द पांड्यास। ये आप ग्राफ देखिए, बादामी चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास, कादम्बास, पल्लवास, गंगास, चोलास, पांड्यास। अब अपने डिस्कस कर रहे हैं द पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। आर यू ऑल रेडी? पल्लवा डायनेस्टी से अपना पाला पढ़ने वाला है। द पल्लवास रूल्ड नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश with their capital at Kanchipuram. P से पल्लवा, P से पूरा, कांचीपुरा याद रखना। अगर आपको याद रखना है तो पी पी तो को मैच कर लेंगे हम लोग, कांचीपुरम, ठीक है। पी फॉर प्रदेश। तमिलनाडु को कैसे याद रखना है? पल्लवा में है लावा, ठीक है। नायडू को हम समझेंगे मैडू। जब किसी के मन में बहुत गुस्सा आता है ना, तो लावा की तरह वो पागलों की तरह बरसता है, ठीक है। तो पल्लवा में है लावा, लावा में है मैड, मैडनेस। सो मैडू एंड नायडू मैच कर लेंगे हम, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश विद देयर कैपिटल एट कांचीपुरम। और जब कोई इंसान पागल हो जाए तो उसके कान खींचने चाहिए। चलो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि शायद आपको याद रहेगा, ये सब करने से याद रह जाता है। रटना नहीं है, कुछ कनेक्शंस निकालने सीखो, कुछ ना कुछ कनेक्शन निकालने से कहीं ना कहीं से याद रह जाएगा। तो लावा, जब किसी के मन में लावा उठता है तो वो पागलों की तरह गुस्सा करता है, मैड की तरह। मैड से आपके दिमाग में राइमिंग होगा नैड, मैडू एंड नैडू टू तमिल नैडू आंध्र प्रदेश।
और अंदर में, यू नो, अंदर में गुस्सा, अंध्र। तो ये अंदर में गुस्सा भी आ गया, तो पल्लवा से हम लोग लावा निकाल लिए, लावा से अंदर निकाल लिए, अंदर से मैट निकाल लिए, डायमंड लैट निकाल लिए, आंध्र प्रदेश निकाल लिए। ओके, विद कैपिटल लेट। और जब गुस्सा आए तो मम्मी कान खींचती है कि गुस्सा क्यों करते हो, तो कांची पुरम। दे रोज टू पावर समटाइम इन द 4th century CE। तुम्हारे मन में चोर है जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? जैसे होता ना कभी कभी मन में चोर होता तो जानबूझ के गुस्सा करके दिखाते हैं, तो सर ये चोर कहां से ले आए? अरे फोर है ना, फोर, 4th century, फोर से हो गया राइमिंग चोर। इन द 6th century CE सीमा विष्णु, सिम्हा मतलब शेर, ये विष्णु अवतार में जो नरसिंह अवतार का बात हो रहा है, सिम्हा विष्णु द पल्लवा रूलर डिफीटेड ऑल हिज सदर्न नेबर्स इंक्लूडिंग द रूलर ऑफ श्रीलंका। सिक्स में आता है एस, एस में आता है सिम्हा, और एस से आता है श्रीलंका, एस से आता है सदन, तो ये देखो सब एस से आता है श्रीलंका। ही सीज्ड द कंट्री ऑफ द चोलास विच कंप्राइज्ड द प्रेजेंट डे तमिलनाडु। सो बेसिकली चोलास को इन्होंने हराया, किसने हराया? सीमा विष्णु ने। महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन वन वॉज द सन ऑफ सीमा विष्णु एंड द फर्स्ट ग्रेट पल्लवा किंग। पिताजी थे सीमा विष्णु, बट महेंद्र वर्मन उनसे भी पावरफुल किंग, महेंद्र वर्मन वन, एंड ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट पल्लवा किंग ड्यूरिंग हिज रेन। किनके रेन? महेंद्र वर्मा। ड्यूरिंग हिज रेन कांचीपुरम, याद है ना पल्लवास के पास क्या था? कांचीपुरम था। हिज कैपिटल केम टू बी नोन एज द गोल्डन सिटी। अरे इसका मतलब मन से जो लावा निकल रहा था, अरे लावा में क्या निकला? गोल्ड निकला, गोल्ड, ओ माय गॉड, अंदर से कुछ निकल के आया तो गोल्ड हो गया, वाओ, गोल्डन सिटी। इट बिकेम अ सेंटर फॉर कल्चरल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। महेंद्र वर्मन वन रूल्ड फ्रॉम 600 CE टू 630 CE, 30 साल इन्होंने राज किया। कांचीपुरम बिकेम अ ग्रेट सेंटर ऑफ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। याद करो वैदिक पीरियड से जो ब्राह्मण्स थे वो वैदिक लर्निंग का बात कर रहे थे, और बाद में बुद्धिस्ट आ गए। मेनी टेम्पल्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस ईरा। महेंद्र वर्मन वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन नरसिम्हा वर्मन वन। तो दादाजी का जो नाम था, दादाजी का क्या नाम था? सिम्हा विष्णु, राइट? तो दादाजी के नाम को भी नरसिम्हा वर्मन वन, दादाजी का भी नाम आ गया और पिताजी का भी नाम आ गया, महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन, हु बिकेम द मोस्ट पावरफुल रूलर इन द साउथ। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ महाबलीपुरम। महाबली तो इसका मतलब क्या है? नरसिम्हा वर्मन को महाबली का उपाधि दिया गया कि ये बहुत पावरफुल है, तो इन्होंने जो सिटी को फॉर्म किया उस सिटी का नाम पड़ गया महाबलीपुरम, वेयर ही बिल्ट अ नंबर ऑफ रॉक कट टेम्पल्स। बहुत सारे मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। किसने निर्माण कराया? नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन के पिताजी कौन? महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वन वर्मन वन के पिताजी कौन? सिम्हा विष्णु। द पल्लवा किंग्स महेंद्र वर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन वन फॉट कॉन्स्टेंट बैटल्स विद द चालुक्यास ऑफ बदामी। बदामी एक जगह का नाम है,
एंड द पांड्यास एंड द चोलास इन द साउथ। तो इसका मतलब यह है कि पल्लवास किंग्स जो थे ये सबको चुनौती देते थे, अरे तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा पालक किससे पड़ा है। किसे चुनौती देते थे? द चालुकियास को। चालुकियास को बोलते थे, ए चालुकियास तुम क्या अपने आप को बहुत चालू समझते हो क्या, पर तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारा पाला किससे पड़ा है? महेंद्र वर्मन वन के साथ पड़ा है। और तो और पांडियास को भी जाके ललकारा, पांडियास के साथ भी झगड़ा किया, चोलास के साथ भी झगड़ा किया। किसने किया? द पल्लवा किंग्स। देवर फाइनली डिफीटेड बाय द चोला किंग्स इन द 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी में जाके 100-200 साल बाद चोला किंग्स का राज्य आया। तो बात कर रहे हैं पल्लवा आर्किटेक्चर के बारे में। द साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द पल्लवा रूल हैव मेड अ रिच कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। द फाइव मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स, वाई फाइव, क्योंकि पांडवास भी पांच थे। रॉक कट टेम्पल्स फेमस एज, कैसे फेमस है ये है फेमस एज द रथ टेम्पल्स। रथ टेम्पल्स और कहां पर? रथ टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम को किसने बनाया? याद करो, नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाया। आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर दीज आर कॉल्ड द पंचा पांडवा रथ, द फाइव चैरियट्स ऑफ द पांडवास। दीज रथ्स आर कार्व्ड आउट फ्रॉम सिंगल रॉक्स। अर्ली टेम्पल्स वर डेडिकेटेड टू शिवा। द कैलाश नाथा टेम्पल एट कांचीपुरम। कांचीपुरम इनका पहले थे, पल्लवास पहले कांचीपुरम कैपिटल था, बाद में उनका कैपिटल, उन्होंने बाद में, नरसिम्हा वर्मन ने बाद में महाबलीपुरम सिटी फॉर्म किया। तो पहले कैलाश नाथ टेम्पल कहाँ पर है? कांचीपुरम में। एंड द शोर टेम्पल्स बिल्ट बाय नरसिम्हा वर्मन टू एट महाबलीपुरम आर अदर सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पल्लवा आर्ट इज अ रॉक कट स्कल्पचर टाइटल्ड अर्जुनास पेनेंस एट महाबलीपुरम। तो ये तो समझ में आ गया। अब हमें पता है कि एक मस्किटो डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, चोलास भी ऐसा ही सोचे, ये पल्लवास जो है ना ये एक मस्किटो है, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, मार डालो इसको। बट 200 साल तक नहीं मार पाए, बट फाइनली चोलास ने पल्लवास को हराया। द संगम लिटरेचर थ्रोज अ ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द चोला किंगडम। मेंशन ऑफ द चोलास इज ऑल्सो फाउंड इन द अशोकन एडिक्ट्स फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BCE। ओ माई गॉड, BCE, माइंड यू। सो कहने का मतलब यह है कि चोलास जो है ये बहुत पुराने वेल नोन लोग थे। By 850 CE, the Cholas had risen to power and gained control over the Tamil region. The city of Tanjavur developed under the Cholas. In the 9th century CE, the Chola king Aditya I defeated the Pallavas. 9th सेंचुरी CE में आदित्य वन ने पल्लवा किंग को डिफीट किया। सम ऑफ द फेमस चोला रूलर्स वर राजा राजा वन, राजेंद्र चोला वन एंड राजधिराज चोला। अंडर राजा राजा वन 985 CE टू 1014 CE एंड हिज सन राजेंद्र चोला वन, द डायनेस्टी बिकेम अ मिलिट्री इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर इन एशिया।
During this period, the Chola Empire stretched from the islands of the Maldives in the south to the banks of the river Godavari in Andhra Pradesh in the north. Raja Raja I conquered Peninsula South India, annexed parts of Sri Lanka, and occupied the islands of Maldives in the Indian Ocean. Rajendra Chola I sent a victorious expedition to North India that reached the Ganga River and defeated Mahipala, the Pala ruler of Pataliputra. After this victory, he assumed the title Gangaikonda, that is victor of the Ganga, and built a new capital called Gangaikonda Cholapuram. He also conquered the Andaman and Nicobar Islands. The Chola Empire declined after the death of Rajendra Chola, but continued until 13th century CE. मतलब सोचो 300 साल तक चला है. तो ये राजेंद्र चोला जो है ये काफी पॉपुलर किंग है जिन्होंने पाटलिपुत्र को कॉन्कर किया. गंगा के उस साइड में था तो इसीलिए गंगाई कोंडा, दैट इज विक्टर ऑफ गंगा, और गंगाई कोंडा चोलापुरम इन्होंने नाम दिया. चोला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं. द होल ऑफ साउथ इंडिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट. द चोला सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज मोनार्कियल, विच मीन्स रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन. द किंग वॉज द सुप्रीम कमांडर एंड अ बेनिवोलेंट डिक्टेटर. एक्सक्यूज मी. A group of officials assisted the king in the task of administration and executing orders. The Cholas were perhaps the first to introduce local self-government in India. Under this system, every village was self-governing unit. Justice was mostly a local matter in the Chola Empire. Minor disputes were settled at the village level. राजा के तक पहुंचने की दरकार नहीं थी. लर्नेड ब्राह्मिन्स वर गिफ्टेड विद टैक्स फ्री लैंड्स कॉल्ड ब्रह्मदया और आग्रहारा. टैक्स नहीं देना है ब्राह्मण जी आपको. क्यों नहीं देना? क्योंकि आप एजुकेशनलिस्ट हो, आप एजुकेशन को स्प्रेड करिए. ट्रेड का बात करते हैं. द चोलास एक्सेल्ड इन फॉरेन ट्रेड एंड मैरिटाइम एक्टिविटी. The influence extended overseas to China and Southeast Asia. Basically, China and Southeast Asia. Raja India में कई आए और कई चले गए, but आप एक चीज ध्यान दीजिए, trade चलते रहा. अब डिस्कस करेंगे हम कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में. अंडर द चोलास साउथ इंडिया रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ एक्सलेंस इन आर्ट एंड लिटरेचर. The Cholas continued the temple building tradition of the Pallava dynasty. The Chola temples were magnificent structures with ornamental pillars and sculptures. The Chola period is also remarkable for its stone and bronze sculptures. The bronze statue of Nataraj, the divine dancer, is considered to be one of the best specimens of the Chola sculpture. Yes, students, ये आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, दिस इज बृहदेश्वर टेम्पल, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया. द एज ऑफ इंपीरियल चोलास वॉज द गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर.
गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर क्यों बोला जा रहा है गोल्डन एज? बिकॉज ऑफ मार्क्ड प्रोग्रेस इन लिटरेचर. लिटरेचर, यस. तमिल एपिक पोएम रिटन बाय जैन सेंट तिरु तक्के तेवर. और कौन सा पोएम था ये? सिवाका सिंटामणि. सिवाका सिंटामणि ये एक तमिल पोएम है, याद करना होगा आपको, ये एग्जाम में आना ही आना है. सिवाका सिंटामणि, इट इज अ क्लासिकल तमिल एपिक पोएम रिटन बाय जैन सेंट. ये थोड़ा सा स्पेलिंग याद करना होगा आपको. तिरुताक्के तेवर हु बिलोंग टू द संगम एज. इसे याद करा दूं क्या मैं? सिवाका सिंतामणि, ये सिंतामणि को तो आप चिंतामणि याद कर लीजिएगा. और जो बोलते ना कि अरे तेरा तेवर तो देख, तो उसी हिसाब से याद करना. तेरा को है तीरु, टी आई आर यू, टी ए के एंड के ए टी ए वी ई आर. खैर याद हो जाएगा मेरे ख्याल से आपको. हु बिलोंग्ड, ये फॉर्मूला आप निकाल लोगे. हु बिलोंग टू द संगम एज. एक और लिटरेचर की बात है, दैट इज कॉल्ड तमिल रामायण, और इसे लिखने वाले थे कंभन. जैसे रामायण में बाण का प्रयोग होता है, तो इनके पास कम बाण था. बाण जो है, एरोस कम थे इनके पास, कम बाण. हु रोट राम अवतारम. चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अब कुछ चर्चा करते हैं, एंड देन वील कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. चालुक्य डायनेस्टी, यस, ये डायनेस्टी चालू डायनेस्टी थी. चालू, चालू डायनेस्टी थी क्या? यस, चालू क्या? चालुक्य डायनेस्टी. द चालुक्यज रोज टू पावर इन कर्नाटका. कर्नाटका, नाटका. चालू भी थे और नाटक करने में भी नंबर वन थे, नाटक करते रहते थे. तो चालुक्य डायनेस्टी कहां पर थे? कर्नाटका में. इन द सिक्स सेंचुरी सीई विथ वाटापी ऑल्सो कॉल्ड बादामी एज देयर कैपिटल. अब याद करना है तो चालू थे, नाटकबाज थे और वाट लगा देते थे. वाट, बादाम खाते रहते थे सारा दिन और वाट लगा देते थे किसी का भी. तो वाटा भी याद होगा और बादामी याद होगा एज देयर कैपिटल. ओके, द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलकेशिन वन. His son Pulakesin II extended the empire in all directions. So, ये चालू डायनेस्टी थी, नाटक करती थी, सिक्स सेंचुरी में वाट लगा देती थी बादाम खा के, और इनके मेन फाउंडर कौन थे? पुलकेशिन वन. His son Pulakesin II extended the empire in all directions. He consolidated his power in Maharashtra and nearly conquered the whole of Deccan. Maharashtra west में है, Deccan south में है. आगे बढ़ते हैं. The Chalukya dynasty patronized various forms of art. The Chalukyan temples at Badami, Aihole and Pattadakal are the best examples of Chalukyan architecture and sculpture. So, Chalukya sirf chalu nahi the, they were patronized, they patronized various forms of art. Aur iska saboot kya hai? The Chalukyan temples ko dekhiye aap jaakar. Ye kahan dekhne ko milega? Badami mein dekhne ko milega, Aihole mein dekhne ko milega aur Pattadakal mein dekhne ko milega. Aur ye bahut hi अच्छे आर्किटेक्चर का सबूत है. टेम्पल्स एज सेंटर ऑफ कम्युनिटी लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चालुक्य डायनेस्टी में चालू थे, वो क्या करते थे कि प्रजा को
बहुत अच्छा फैसिलिटी देते थे। वो सोचते थे कि राजा का काम सारा दिन भर कंप्लेन्स लेना नहीं है, तो राजा को ऐसा काम करना चाहिए कि प्रजा हमेशा खुश रहे। ही बिलीव्ड इन अ कल्चर ऑफ टेम्पल, बहुत अच्छे से मंदिर बनाओ और बहुत स्पेशियस मंदिर बनाओ और मंदिर में ही सारा व्यवस्था रखो, मंदिर से एसोसिएट कर दो, क्योंकि लोग बहुत रिलीजियस भाव के थे, राइट? सो रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया, मंदिरों को इम्पोर्टेंस दिया। देखो पढ़ते हैं कैसे इंपॉर्टेंस दिया। द साउथ इंडियन टेम्पल्स वर इंस्टीट्यूशंस बाय देमसेल्फ, इंस्टीट्यूशन जैसे अपने बोलते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये अपने आप में सारे प्रकार के इंस्टीट्यूशन थे। एजुकेशनल बोल लो, आर्ट एंड क्राफ्ट बोल लो, ड्रामा बोल लो, म्यूजिक बोल लो, साधु संत बोल लो या मेडिकल साइंस बोल लो, अपने आप में मंदिर में आप चले जाओ तो सारा उपाय आपको मिल जाएगा। राजा के पास आने का दरकार नहीं है, राजा ने बहुत अच्छा मंदिर बना दिया। सो द साउथ इंडियन टेम्पल्स वर इंस्टीट्यूशंस बाय देमसेल्व्स एंड नॉट ओनली इंस्टीट्यूशंस एंड सेंटर्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। समाज का जो जीवन का मेन सेंटर, चंद्र बिंदु, यू नो मेन सेंटर, इनका पूरा लाइफ रिवॉल्व कर रहा है कहां पर? मंदिर में। मतलब मंदिर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पब्लिक लाइफ एज वेल एज रिलीजियस लाइफ। हियर कहां पर? हियर मीन्स वेयर? इन द टेम्पल्स पीपल गैदर टू वर्शिप एज वेल एज टू डिस्कस। ये नहीं कि सारा दिन मंदिर में पूजा ही चल रहा है, पूजा हो गया, भगवान को सलाम कर दिया, अब आओ चर्चा करते हैं, सोशल की कोई बात हो तो चर्चा करते हैं, कोई राजा को रिलेटेड क्या, कोई पॉलिटिक्स को लेकर, कुछ टैक्स सिस्टम को लेकर आओ चर्चा करते हैं, कोई नया प्रोग्राम होने वाला है, कोई नया उत्सव मनाने वाले हैं, रिलीजियस मैटर के बारे में कोई बात करते हैं, तो आओ चर्चा करते हैं। कहां पर? मंदिर में बैठकर। म्यूजिक, आपका बच्चा बहुत अच्छा म्यूजिक परफॉर्म करना चाहता है तो म्यूजिक बच्चा परफॉर्म करेगा और सब कोई देखेंगे, डांस करेंगे, ड्रामा देखेंगे, ये सब प्रोग्राम कहाँ होगा? मंदिर में होगा। दिस इज अ टेम्पल जहां आप देखोगे ये हॉर्सेस है, दीज आर हॉर्सेस, ये चैरियट टेम्पल है। दिस वॉज मेड बाई द चोला किंग्स, बट अभी हम बात कर रहे हैं चालुक्या किंग्स की, अभी हम बात कर रहे हैं टेम्पल्स की। आइए, द टेम्पल्स हैड स्कूल्स, ओ माई गॉड, स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी टेम्पल में ही है, अटैच्ड टू देम वेर फ्री सेक्युलर एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट बात है फ्री, सेक्युलर मतलब कोई भी धर्म को मान लो, कोई भी धर्म का बात कर लो, और ये इंस्ट्रक्शंस फ्री में मिलते थे। अब आगे, पीपल स्किल्ड इन वेरियस क्राफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन, जो स्किलफुल लोग थे, कौन? कारपेंटर, पॉटर्स, कुक, वो सब मंदिर के पुजारी के साथ एसोसिएटेड थे। मतलब बेसिकली मंदिर के साथ एसोसिएटेड थे, देवर टेम्पल स्टाफ, पर पार्ट ऑफ द टेम्पल स्टाफ। क्यों? क्योंकि पूरा समाज कहाँ इकट्ठा होता था? मंदिर में। तो यस, टू सर्व द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। दीज वर कारपेंटर्स, पॉटर्स, गार्डनर्स एंड कुक्स, सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स एंड म्यूजिशियंस एज वेल एज प्रीस्ट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द टेम्पल कम्युनिटी। मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं छूटा, सब के सब टेम्पल कम्युनिटी के हिस्सा थे। ये आप जो देख रहे हो, ये ब्रॉन्ज नटराज का स्टैचू है। इससे पता चलता है कि ब्रॉन्ज में भी स्टैचू बनाया जा रहा था। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ साउथ इंडिया किंगडम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिविक्स, हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच।